आपसे भी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना पड़ेगा। जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आरएफसी का असिस्टेंट मैनेजर बजरंगलाल ट्रैप हुआ है, 50,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने उसे दबोचा है। एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव, आईजी दिनेश एमएन मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे केस की। एएसपी नरोत्तम वर्मा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए एक्शन में एसीबी है, जो हम बात कर रहे थे कि प्रेशर की, प्रेशर में भी काम करना, आउटपुट देना एक बहुत बड़ी चीज होती है, और एसीबी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। आरएफसी का असिस्टेंट मैनेजर बजरंग लाल ट्रैप किया गया, उसकी तस्वीर भी आ गई है, हम आपको दिखा रहे हैं। वही असिस्टेंट मैनेजर है जो 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। तो एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव, आईजी दिनेश एमन इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी की, एक और कार्रवाई एएसपी नरोत्तम वर्मा के नेतृत्व में। तो अब तक कई घूसखोर धरे गए हैं, और आज की बात करें तो आज ही तीन कार्रवाई ऐसी एसीबी की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए। नवीन, 24 घंटे में तीन बड़ी कार्रवाई एसीबी की, अगर जयपुर की इस कार्रवाई को देखें तो कैसे खुलासा हुआ, क्या कुछ जानकारी? मतदार संघ के प्रचार बोर्ड तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जयपुर ग्रामीण एसीबी टीम ने कार्रवाई की है, और आरएफसी डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट मैनेजर है घूसखोर बजरंग लाल, इसे यहाँ पर गिरफ्तार किया है 50,000 की रिश्वत लेते हुए। फिलहाल मौके पर एसीबी की कार्रवाई जा रही है, एसीबी की आरोपी से पूछताछ जारी है कि कब से घूसखोरी का धंधा कर रहा था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। हालांकि ये पूरा मामला लोन स्वीकृत कराने से जुड़ा है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एसीबी है जो यहाँ पर काम कर रही है। और मैं आपको गुलाल गुलाबी रंगों की जो नोट है रिश्वत की राशि, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गुलाबी रंगों की तस्वीर इसने ली है, नोट इसने लिया है। तो कुल मिलाकर अब हम ये कह सकते हैं एसीबी अब किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो रिश्वत की राशि छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। इसी कार्रवाई के ऊपर एसीबी के जो सीआई हैं नीरज भारद्वाज जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं सर किस तरह की कार्रवाई और परिवादी कौन था इस पूरी कार्रवाई में। परिवादी ने एक हमें कंप्लेंट दी थी ब्यूरो में आकर, उच्च अधिकारियों के मार्फत की उनकी एक यूनिट है, पेपर की यूनिट, वो सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। तो जिस एवज में उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, जो पिछले कई महीनों से उन्होंने अप्लाई किया था, जिस पर उनका कुछ लोन स्वीकृत हुआ था, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में उनको चेक मिला था, उस लोन स्वीकृत के करने के एवज में उनसे रिश्वत की राशि की डिमांड की गई थी, जिसमें 50,000 रुपये के साथ रिश्वत की राशि के साथ जो आरएफसी के असिस्टेंट मैनेजर हैं मिस्टर वर्मा, उनको गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि कितनी, रिश्वत की राशि मांग की गई थी? रिश्वत की राशि में इतना खुलासा नहीं है, जो इसमें ये चीज़ सामने आई है कि इसमें कि 50,000 की रिश्वत की राशि का डिमांड किया गया था, जिसमें उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग और ये सब उसमें भी जो परिवादी और उनके पास थी और सत्यापन कराया गया, तो उसमें ये उस पर डिमांड करके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।